मैंने ये कहा था कि जब राग द्वेष मोह होते हैं तो जो कर्म बंधते हैं उनका जब बंटवारा होता है तो जितनी प्रकृतियां उस गृहस्थान में बंधने योग्य होती हैं उन सबको हिस्सा मिलता है। पता है कहा था, तुम पुण्य भाव करो तो भी पाप प्रकृति को हिस्सा मिलता है। चंद्रन देव की पूजा भक्ति सोलह कारण भावना जो भी करना हो करो खूब, लेकिन वो मिथ्यात्व और अनंतानबंदी के साया भी मौजूद है ना, तो उसको उसमें हिस्सा मिलता है। सबको हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक हमारा सौभाग्य है कि वो जो हमने किया, हमने तीव्र मिथ्यात्व किया, तो उससे जो बंध हुआ उसमें कर्म आए वो भी बंटवारे में उनमें भी जाएंगे। जो विचार गति है ना, तो उसमें देव गति में हमें बंधी है तो उसमें भी जाएंगे। फिर निरंतर बंधी प्रकृतियां होती हैं तो उनमें जाते हैं, सब में ऐसा ऐसा होगा। लेकिन ये सात कर्म की आगे संतान नहीं होती। यदि आठ ही कर्म बंधे और उनका उदय आया और उदय आने से फिर जब उनका उदय आता तो फिर आगामी कर्म बनते, ऐसा नक्की होता तो हे भगवान कितने कर्म बन जाते। सात कर्म के उदय में तो कर्म बनते ही नहीं। हमारे को यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय आया तो सब जगह जय जयकार होने लगी। आप समझे ना, अभी इसकी वजह से आगामी कोई कर्म नहीं बनेगा, घबराना नहीं। और अयस्कीर्ति कर्म का उदय आया तो बस वर्तमान में आएगा, आपको भोगना क्या भोगना है, डंडा तो पड़ेंगे नहीं, थोड़ा हमारा आपयस होगा क्या, तो होगा और निकल जाएगा, यश होगा और निकल जाएगा, आगामी बंध नहीं होगा। यदि हमने उसमें रस नहीं लिया तो, यदि हमने उसमें राग देश किया तो बंध होगा, लेकिन वो राग देश से होगा, वो यश अपयश से नहीं होगा। ये जो करोड़ों रुपया मिल गए हमारे पुण्य के उदय से, ये पुण्य के उदय से मिलते गए, पाप के उदय से इसका कभी मैं फिर विचार करूंगा, अभी उलझा जाऊंगा तो जो मैं कहना चाहता हूं वो बात रह जाएगी। तो इसकी वजह से अब आपको फिर पाप बंध जाए ऐसा नहीं होगा, घबराना नहीं। अब क्या करें, अभी तो आई गए 1 करोड़ रुपया तो आई गए, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, कुछ कुछ घबराने की बात नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। जब उससे तुम राग द्वेष करोगे, उसमें एकत्व स्थापित करोगे, उससे अपने को सुखी मानोगे, तो ये राग द्वेष मोह जो होगा उससे बंद होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो कितना ही आ जाए, रह जाए और चला जाए, ऐसा नहीं होता। आपने क्यों भाई साहब, नहीं होता है। आपने एक जमीन खरीद ली थी 50 साल पहले मुफ्त में ही, समझ लो 100-200-500 रुपया में, और अब 2-4 करोड़ की होगी, कितना हो गया, कितना आ गया, क्यों? अब इसका लाभ का कोई हिसाब है? तो हम अनंत गुणा कहते हैं तो आपको आंखें फाड़ते हो, इसमें भी तो कितना हो गया कि जब तुमने वह लई थी तब से उसके कितने चक्कर काटे, उसकी रक्षा की, कोई हड़प ना ले जाए, कोई ऐसा ना कर ले जाए, कितना टैक्स जमा कराओ, ये कराओ, ये कराओ, वो सब कराए। और अब जब वह 5 करोड़ की हो गई तब तुम्हारी आंखें बंद होने का नंबर आ गया, क्या करो, खाओ, चाटो उसे, क्या करो, क्या करोगे, 2 रोटियां तो नहीं देगी वो तुम्हें, क्यों, जमीन बेचोगे 5 करोड़ की 2 रोटियों के लिए, वो तुम जी साहब वो ऐसे ही जानी है। हम जिसको चाहेंगे उसको दे जाए, तुम धोखे में हो,
वो जिसके पुण्य के उदय में लिखी होगी उसको मिलेगी, तुम्हारे दे जाने से किसी को कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे माथे तो जो जितने दिनों में तुमने उसे राग कर करके जो पाप बांधा वही तुम्हारे हिस्से में आया है। बोलो क्या है, क्या उपलब्धि है, बोलो सब विचार करो। जैसे आप ये तो सब लोग महापुण्य का उदय से मानते हैं, पुण्य आत्मा और धर्म आत्मा और फलाना ऐसा, इसमें इसमें धर्म रम कहाँ हो गया? पुण्य का पुण्यात्मा भी कहाँ है, पापात्मा है। बहु धंधी बहु दुखी आता क्या नहीं आता, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, चक्रवर्ती गृहस्थी में मरे तो गारंटी से नरक जाए, और चक्रवर्ती नरक जाए तो पहले दूसरे थोड़ी जाएगा, उसका अपमान हो जाएगा। सब काम उत्कृष्ट होता है, हैं? नरक भी जाएगा तो साथ में मैं जाएगा, और स्वर्ग भी जाएगा तो सर्वा सिद्धि में जाएगा। आप समझ में आए ना, मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसमें तुम राग तो एक ही कर्म है जो मोहिनी कर्म, जिससे जिससे मोह राग देश जिनमें वो निमित्त है, वे तो भविष्य के बंध में निमित्त बनेंगे, और बाकी सात कर्मों का उदय आकर वे तो आप उससे कुछ राग देश मत करो, उधर देखो ही नहीं तो आके कर्म खिर जाएंगे। बोलो कुछ नहीं, हमें हमें कुछ नहीं, क्या फायदा उन कर्मों के बांधने से हमें, ये मूर्ख तुम कर्म बांधने में फायदा देख रहा है। हम तो समझा रहे कि बंध गए तो घबरा मत, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझना। मैं अभी सुन रहा था यहीं से कहीं मंदिर में, यहीं से कहीं से मेरे कान में आवाज पड़ी थी, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, इंद्रियन में नहीं निभाऊं, राग आदि के दोष हरि दे, परमात्मा में निज पद दीजे। अब मैं लिखूंगा, मेरे विकल्प आ रहा है, जल्दी जल्दी लिखूंगा, ऐसा हो सकता है कि मैं ये दूसरी पंक्ति मुझे पसंद नहीं आई, बेराग दे सरेंगे हमारे, वो भी अपना पद हमें दे देंगे, तो झूठी बात क्यों करते हो, उनसे क्यों मांगते हो, इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं इंद्रादिक पद नहीं चाहता हूँ, विषयों में नहीं लुभाता हूँ, तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, कोई जरूरी है कि मैं चाहूँ, मैं कुछ नहीं चाहूँ ऐसा नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो संसार में ही रहोगे, क्योंकि चाह खत्म हो जाएगी तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। बोलो क्या लगता है आपको राजनीति, मेरा तर्क समझ में आया, मैं जानता हूँ इतने महान विद्वान की वो पंक्तियाँ हैं जिनके विरोध में खड़ा होना मेरे बस की तो नहीं है, मैं सचमुच उनका बहुत भगत हूँ, अनन्य भगत हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं, समझ गया। लेकिन जो बात जो जो बात मेरी समझ में आ रही वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या जरूरत है कि मैं क्या नहीं चाहता हूँ फिर क्या चाहता हूँ, इसकी जरूरत क्या है? ऐसा नहीं हो सकता मैं चाहूं ही नहीं, एक आदमी घूस देने आया ऑफिसर को कि ये 5 लाख ले लो और हमारा काम कर दो, कि भाई नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए 10 लाख ले लो, तो तू ऐसा लेता है ना, तो 5 लाख मुझे कम दिख रहा है इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, 10 लाख में बोलेगा तो मैं ले लूंगा, तो साहब आप क्या लेंगे फिर बताओ, कि हम ले ही नहीं, ये नहीं चल सकता, हम निरपराधी तो तभी रहेंगे कि हम नहीं लेंगे, कि तुम कह रहे कुछ ले लो कुछ ले लो, अपने मुंह से मांग लो, तुम हमको मंगता बना रहे हो, भिखारी बना रहे हो, ये भिखारी बन मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सुनाई कई दफे आप लोगों को कि जब ये परमात्मा यहाँ पर आया था, 8वीं क्लास में पढ़ता होगा शायद, कौन सी क्लास में था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, 8 बरस का था, हम लोग यहाँ आए थे ना, तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता, बहुत जल्दी जल्दी, तो मैं से बहुत कहता था जरा धीरे धीरे शांति से बोलना सीखो, तो नहीं मानता था, तो मेरे दिमाग में आया
कि इसको अपन संगीत सिखाओ, तो संगीत में तो ऐसे धीरे धीरे ही बोलना पड़ेगा ना, तो इसकी ये आदत सुधर जाएगी। सिर्फ इसके लिए यहाँ एक बहुत बड़े संगीत के विशेषज्ञ विद्वान थे, सेठ थे, मतलब धंधेबाज नहीं थे, मतलब वो गोपी चंद जी मास्टर साहब, तो बड़ी बड़ी जितनी पार्टियां जयपुर की थी उनके रिश्तेदार थे, महेंद्र कुमार सेठी के मामा थे, अब समझ लो आप, जो अपने ट्रस्टी थे ना गोदगा जी के साथी थे, उनके मामा थे वो। मैंने उनसे कहा कि मास्टर साहब आप मुझे परमात्म को थोड़ा संगीत सिखा दो। उनने ये नहीं कहा कि आप मेरे घर भेज देना, वो तो कहते तो मैं तो घर ही भेजता, मैं उनसे कहने की हिम्मत नहीं करता था कि आप यहाँ ले नहीं, आपको जब आ जाऊँगा मैं आ जाऊँगा, मैं तो मंदिर आता ही हूँ, तो मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा जी वो बराबर सब, तो यहाँ आकर के सामने बैठ के सिखाते थे। इसने जितना सीखा हो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक दिन जब मैं आया तो एक भजन इससे गवा रहे थे और उस हारमोनियम पे बजाना सिखा रहे थे। वो कौन सा भजन था? वो भजन था, हाँ बोल बोल क्या, का मास्टर जी अब कल से आप मत पधारना। मैंने क्या हुआ क्या हो गया, मैंने बहुत श्रद्धा भक्ति से वो मेरा प्रवचन सुनते थे, मेरे दादाजी से उम्र के थे, मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के थे वो, लेकिन मेरा बहुत प्रेम से प्रवचन सुनते थे वो, उनकी बहन और सब आते थे। तो क्या हो गया, क्या गलती क्या हो गई, आप तो मुझे ये बताओ गलती क्या हो गई। नहीं गलती मलती कुछ नहीं हो गई, लेकिन आप बस हो गया, सीख लिया इसने, इतना सीख रहा था। तो आप बताओ आप बताओ। मैंने कहा आपको हमने आपको संगीत सिखाने भेजा था, आपने तो इसके हाथ में कटोरे पकड़ा दिए। दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया हूँ, कटोरे भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए किसी कीमत पर, भगवान से भी भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नक्की किया ना, आपको बताया कि मैं सारे भजन निकलवा रहा हूँ, मेरा काम शुरू हो गया है, बीमारी में चाहे जैसे हो मैं वो काम चालू है, सब भजन निकाल दूंगा मैं जिसमें जरा भी मांग की गई होगी। क्या की मांग? फिर बोले थे क्या करूं क्या करूं, आप जो कहोगे वो भजन सिखाऊंगा, लेकिन आप बंद मत करो, बहुत अच्छा सीख रहा। तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि ये भजन सिखाओ कि जब आत्म में अनुभव आवे तब कछु न सुहावे, जब आत्म में अनुभव आवे तब और कछु ना सुहा, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्षर विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव इसे कहा। मैं एक अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें मांगने की बात क्या है, रागादिक दोष हरीजे वे नहीं हरेंगे, क्या उपचार से कहें तो हमें कह नहीं चाहिए ऐसा उपचार के उपचार, तो रागा देश तो हमारे हम हरेंगे, ये कोई अभिमान की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप है, हरेक के राग देश का अपहरण हम खुद ही करेंगे और हमें उनका परमात्म पद नहीं चाहिए, हम अपना परमात्म पद प्रकट करेंगे, हमारे अंदर है परमात्म पद, भीख में मिलता है, चक्रवर्ती तो भीख में मिलता है, अनंत पुरुषार्थ का काम है वो, यानी मोक्ष की भी मांग नहीं। अभय कुमार जी मैं वो सब पहले काम कर रहा हूँ ना जो मेरे लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ ये प्रवचन, अकेले मैं कितना समझा पाऊंगा,
समझ में आए ना कि देखो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कैसा मोक्ष की मांग तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं, क्यों तुम्हें मांग तुम्हारे दिमाग में से क्यों नहीं हट रही? हम मांग करें ही नहीं। अब मैं एक ऐसी स्तुति लिखने की सोच रहा हूँ कि जिसमें मांग की बात ही नहीं हो, और तर्क और युक्ति से मांगने की बात नहीं होना चाहिए, इसमें ये सिद्ध करूंगा, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा। क्या होता है क्या नहीं हो पाएगा ये मुझे पता नहीं है, समझ रहे ना, जो होना होगा वही होगा। लेकिन आप मैं ये कह रहा हूँ क्या चीज, वो कर्म का जो उदय आएगा सात कर्मों का, वो तो बस आ गया, जो कुछ होना था सो हो गया। ये काले बाल होना थे तो काले हो गए, सफ़ेद होना थे तो सफ़ेद हो गए, गायब होना थे तो गायब हो गए, गोरा होना था तो गोरे हो गए, काला होना था तो काले हो गए। आप समझ आए ना, जो हो गया वो हो गया। अब मेरे कालेपन से भविष्य में कर्म ज़्यादा बनेंगे ऐसा नहीं है, और आप गोरे हैं तो आपको ज़रा कम बनेंगे ऐसा नहीं है। सात कर्म तो निसंतान ही मरते हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। अभी उसमें सिर्फ एक कर्म रह गया जो बंध का निमित्त बनेगा, हमेशा बनेंगे अच्छा ही, उनकी स्थिति पड़ेगी, अनुभाग पड़ेगा, सब आएगा, भोगने भी पड़ेंगे, बिना भोगे भी जाएंगे बहुत से हैं, क्योंकि आपका उपयोग कहाँ कहाँ जाएगा, उपयोग तो एक ही दो जगह रहेगा ना। आपके पास 10 मकान हो गए, एक एक मकान में 10-10 बेडरूम हो गए, आप सब में सो लेंगे इस भव में, हर तीर्थ पर एक बंगला बन गया, जा पाएंगे? ये जो जगदीश भाई अपन ने यहाँ बनाए थे ना, वो तीतरा विज्ञान भवन और कुन कुन भवन, उसमें जितने दिन के वो फ्लैट थे उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनने उन्हें देखा नहीं है। क्या ऐसे पुण्यशाली आप भी हैं, घबराना नहीं, बहुत सी जो चीजें आपको मिली हुई हैं उन्हें आपने देखा ही नहीं है, आप देखते ही नहीं हैं। देखने की फुर्सत किसे है? उस 2 मिनट में देख ले, आपने मेरे गले में माला डाली, वो 2 मिनट में दिख जाए जितनी दिख जाए, बाद में तो मैंने कोई जाके देखी नहीं कही कि क्या आया कैसे आया कहाँ गया, अब जहाँ गया जैसे गया मुझे कुछ पता नहीं है, विकल्प ही नहीं आता देखने का, क्या देखना। मान लो मेरे पास 1 साल है जिसे मैं उड़ता हूँ, अब 50 साल हो गए, 50 उड़ूंगा क्या करूँगा बोलो? अरे उनको गिनने के हमारे पास समय नहीं है, हम गाथाएं गिनेंगे ना है? हम अपना उपयोग कहाँ लगाएंगे बोलिए? आपके पुण्य पाप के उदय से जितने भी संयोग आपको मिले, पुण्य पाप का इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग पुण्य के उदय से मानते हैं, और मैं क्या मानता हूँ वो कभी बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी कह दूं एक वाक्य फिर तुम सब जगह कहते फिरोगे, फिर वो सामने वाला मेरा गला पकड़ेगा आकर के, पूरी बात कहूंगा ना तो आपकी समझ में आएगी हैं? हम क्या मानते हैं? आप मानते हो कि पुण्य के उदय से मिलता है ये परिग्रह? क्यों मानते हो? सब मानते हो? दुकान पे काहे को जाते हो? दुकान पे जाना पुण्य करते हो गए वहां हैं? लड्डू बांटते हो वहां के? बिल्कुल गिद्ध दृष्टि से बैठे रहते हो, कोई आगे चिड़िया फंसे हैं, आंख का अंधा और गांठ का पूरा आवे तो उसकी जितनी जेब काट सकता हूँ काट लूँ, ऐसे शंकर परिणामों से बैठे रहते हो? बोलो सच्ची, बोलना बोलना मत, मन में ही सोचना है क्या ये पाप भाव है तो, और तुम्हें तो तुम बंद कर दो, पुण्य से आता है तो आ जाएगा, कहाँ भरोसा है उधर, किसको भरोसा होता है बोलिए? नहीं नहीं साहब, पुण्य भी तभी फलता है जब अपन कुछ पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि पाप करते हैं, सच में पाप है क्या पुण्य है बता पुरु? यानी मेरे बहुत प्रश्न है इस मामले में, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी बात अभी नहीं बताऊंगा, तो कभी बताऊंगा जरूर बताऊंगा, लेकिन आप समझ रहे ना कि प्रश्न तो खड़ा हो गया होगा ना चित्त में कि हमारी क्या सिद्धा है बोलो
कि वो तो पुरुषों की बात है, बेचारी महिलाओं को काय को लपेटते हो। अरे महिलाएं क्यों नहीं एक दिन शांति से घर में बैठने नहीं देंगी, जाओ दुकान पे बैठो, उनकी आज़ादी में खलल आता है। वहां जाओगे तो कुछ कमाओगे, यहां जाओगे तो क्या होगा। मैं दुकान पर नहीं जाकर के भी पाप बांधती रहती हैं। सोचना क्या है पुण्य क्या है पाप। लेकिन क्यों घबराते हो, उससे कुछ होने ही वाला नहीं, भविष्य में नुकसान तुम्हारा, क्यों उससे कर्म तो बनेगा नहीं। तुम उसके लक्ष्य राग द्वेष नहीं करोगे तो कर्म तो नहीं बनेगा, उसमें अपनापन नहीं करोगे तो कर्म तो नहीं बनेगा। तो अपन को जब वो अपनापन और राग द्वेष छोड़ना है, कैसे हो गया एक घंटा, इतना तो नहीं है, क्या 10 मिनट हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो अनादि काल से जो हमारे कर्म हैं, तो इतना जो द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म, ऐसा आप बोलते जाते हो, लेकिन उसके तोड़ने के कहाँ से टूटेगा, कब टूटेगा, वो सारा मैं बिंदु को स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि धर्म की बात तो वही है, वो तो अनादि से काल से ऐसा चलता रहेगा, वो तो अभव्य की बात है। अरे वो अभव्य भी नौवें गरीब एक तक जाता है, नंग दिगंबर मुनिराज होता है, और उसके शरीर पर छिड़को और नमक डालो तो भी आँख का कोया लाल नहीं हो, इतना क्रोध को जीत लेता है। अरे सब उसके क्रमबद्ध में नक्की है। फिर वहां से जाकर के लौट के फिर वो कहाँ कहाँ जाने वाला है, क्यों अभव्य है ना, आगे की बात उसे मिलने ही वाली नहीं है, और वो वहां तक जा सकता है, ये करुणानी उसे पूछ लेना कहाँ कहाँ तक जा सकता है, जैसे वो चला जाएगा वहां तक, समझ नहीं ना। अक्षरवज्ञ के अलावा कोई नहीं जान पाएगा ये सच्चा मुनि है कि झूठा मुनि है, काय को दूसरे के में विकल्प में उलझना। दो बातें हैं राजेंद्र जी, एक तो इतने बड़े दोष होते हैं कि दूर से ही दिखते हैं, उससे तो हम जान सकते हैं कि हमें जो बचना है आत्मकल्याण के लिए, गृहित मिथ्यात्व से बचना है, वो ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन फिर भी पक्का निर्णय उन्हें मिथ्या दृष्टि घोषित करना हो, उसके लिए फिर वो सर्वज्ञ की बात है। हनुमान मनमान से तो वो भी सब जानने में आ सकता है, इसलिए हम ऐसा बच करके और चाहे जैसे अंधे में मानकर अपने जीवन को नहीं अपना सकते। आप समझिए ना, यदि कोई दो गलत सही मुनिराज हमारे छूट गए निगाह से और हमने उन्हें गलत समझ लिया और हमारी निगाह से निकल गए, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, घबराना नहीं। समझ आई आपकी कि नहीं, मैं कहता हूँ। लेकिन गलत फंस गए तो बहुत नुकसान। हम उदास तो रह सकते हैं ना, तो एक रास्ता एक खुला हुआ है, जो द्रव कर्म और भाव कर्म की जो संतति की बात चलती है, तो उसमें से ये रास्ता है कि हम सबसे पहले मिथ्यात्व और फिर उसके बाद में राग द्वेष, अनंतानबंदी राग द्वेष तो मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं, समझे ना। वो तो इसलिए मिथ्यात्व राग द्वेष तीनों कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको हटाने के लिए हमें जो प्रयत्न करना पड़ेगा वो अलग अलग से नहीं करना पड़ेगा, दो अलग अलग नहीं करना पड़ेंगे। आत्मा की अरुचि का नाम अनंतानबंदी कसाय है, और मिथ्यात्व के उदय से भी वही होता है, लगभग काम भी एक साथ है, जाते भी एक साथ हैं, और कर्म कौन कब जाएगा नहीं जाएगा, हमें कर्म की तरफ देखने की जरूरत क्या है, हम तो अपने आत्मा की तरफ देखें, वो परिपूर्ण तत्व है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे अनंत सुखी होने के लिए किसी की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, अंदर से रंच मात्र भी पराधीनता का भाव
मांगने का भाव, किसी का कुछ करने का भाव जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। अभी जरा सी इतनी बात कहेंगे तो अभ्यास ही शुरू हो जाए कहना कि नहीं साहब ऐसा कह करके, फिर वो सदाचार से भी विमुख हो जाना चाहते हैं, फिर वो दया भाव से भी विमुख हो जाना चाहते हैं, फिर वो ऐसा करना चाहते हैं क्या दया भाव से। फिर कोई आदमी आता है तो भी उसे खाना भी नहीं खिलाते हैं, कहते हम तो अंदर में ही जाएंगे। आप समझें वो दया भाव है, चाहे जिसको खाना खिला देना, भूखे को खिला देना, चाहे जिसको वो दया भाव है। दया भाव तो ये है कि वो मिथ्यात्व की वजह से कितना दुखी है, उसका मिथ्यात्व तो कैसे दूर हो, ऐसा विकल्प आए तो वो दया भाव है। वो भी धर्म नहीं है। टोडामल जी की भाषा में कहे तो माफ के काबिल अपराध है, लेकिन असली दया तो वो है ना क्या। अब अपने कुंद कुंदा आचार्य देव ने इतने डंके की चोट लिख दिया, कौन सा कि करुणा बुद्धि कह क्या है शब्द तीन है ना, ये दर्शन मोह के चिन्ह हैं करुणा भाव। अब और कितना स्पष्ट कहलाना चाहते हो है ना। ये मेरी समझ में तो 21 वर्ष की उम्र में आ गया था और मैंने पूजा में लिखा है, आज वो सुनाया था उत्तम चंद जी ने सुनाई थी, किसने सुनाई थी कि करुणा निधि सब तुमको समझनाथ भगवान भरोसे, आपने भी बोली थी, दो जनों ने बोली मुझे, मैंने सुना है। जितना यहाँ कार्यक्रम होता है लगभग मैं सुनता रहता, तो दो दफे दो जनों ने बोली, मुझे विकल्प आया बोलने का, मैंने कहा भैया अब तीन दफे हो जाएगी तो अब छोड़ो क्या अब छोड़ो, तीसरी दफे हो जाएगी, मैंने इतनी स्पष्ट बात है, अब और इससे ज्यादा क्या कहें। अब तो सब करुणा तो करुणा तो वो है ना, वो चार है ना सम्य दृष्टि के चिन्ह, आस्तिक के बोलो और उसमें एक वो करुणा, और उसे लेके करुणा 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 शुरू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ये आस्तिकता के चिन्ह है। अब इसके नाम पर ये भी शुरू मैंने सुना है, यहाँ लंबा 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 भाषण उस पर हो रहे हैं, क्यों आश्रय वो क्या करुणा माने क्या और फलाना क्या और ये क्या और ये क्या ये क्या ये क्या। मुनिराज की करुणा कैसी होती है मालूम आपको, उनके निमित्त से कोई जीव मर ना हो जाए, उनके पैर के नीचे आगे कोई कीड़ा नहीं मर जाए, बस सिर्फ इतनी बगल में मर रहा हो तो उससे कुछ नहीं उनका लेना देना, क्यों दौड़ के उसे उठा के ले जाएंगे अस्पताल में भर्ती कराएंगे, ये करेंगे इलाज कराएंगे, कोई को बुलाएंगे भैया जरा देख लेना, आर्डर देंगे करवा देंगे, कुछ नहीं है, अपना समय खराब करेगा वो, बस इतनी है। कितने वो क्या दो भेद हैं पुरुषा सिद्धि उपाय में, अभिरमण रूप और परिणमन रूप, बस उसका इतना ही है, बस खत्म, कि उनके निमित्त से कोई भी बात नहीं है। देखो आपने लिखा है समय सार में कि चार हाथ जमीन देखकर चलने वाला इंडिया समिति का धारक मुनिराज और गली में चलने वाला रथा पुरुष, रथा पुरुष जानते किसे बोलते हो, जहाँ रथ चलते हैं ना तो रथों को धक्का मारने वाला खींचने वाला वो सबसे जो छोटा टाइप का आदमी होता है वो रथ्या पुरुष, वो ये मानता है कि भगवान विष्णु जगत का करता है इसमें, और मैं छह काय के जीवों की रक्षा करता हूँ ईरिया समिति पूर्वक चलकर, उस मुनि में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता है, इतने पे नहीं छोड़ा। अगली पंक्ति क्या है, उन दोनों को ही मुझे मोक्ष दिखाई नहीं देता, ऐसा लिखा, उन दोनों को ही मोक्ष नहीं होगा ऐसा मुझे दिखाई देता है, मुझे मोक्ष होता दिखाई नहीं देता तो उन्हें मोक्ष होगा। तो इस बात का ख्याल भी नहीं है, सोचनसार पढ़ा भी नहीं है ध्यान से, इतना हम माने नहीं माने तो आज मानते रहे, लेकिन हो तो जनवाणी में क्या है, पर हम जो बात कह रहे हैं वो जनवाणी के अनुसार कह रहे हैं, उसमें हम जनवाणी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है, और वो ऐसा ही जीवन उसका होना चाहिए।
तो अपनी ये बात चलती है। अब कल अपन अगली गाथा चलाएंगे।